एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। तीन तलाक बिल को आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। 17वीं लोकसभा के गठन के बाद नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये पहला बिल होगा। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद संसद में आज तीन तलाक बिल को पेश करेंगे। सरकार के पिछले कार्यकाल में भी तीन तलाक पर बिल लाया गया था, लेकिन ये राज्यसभा से वो पेश करेंगे। सरकार के पिछले कार्यकाल में भी तीन तलाक पर बिल लाया गया था, लेकिन ये राज्यसभा से पास नहीं हो पाया था, जिसके चलते ये लैप्स हो गया। मोदी सरकार के इस बिल को एक तरफ समर्थन मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर इसका विरोध भी लगातार होता आया है। पिछले साल दिसंबर में ये बिल लोकसभा में पास हो गया था। पत्नी को एक बार में तीन तलाक यानी कि ट्रिपल तलाक देने वाले मुस्लिम शख्स को 3 साल की जेल का प्रावधान इस बिल में है, लेकिन राज्यसभा में संख्या बल कम होने की वजह से ये बिल पास नहीं हो पाया था। विपक्षी दल इसके खिलाफ खड़े हुए थे। विपक्षी पार्टियों की मांग थी कि इसे पुनर्निरीक्षण के लिए संसद की सिलेक्ट कमेटी के पास भेज देना चाहिए, लेकिन सरकार ने ये मांग खारिज कर दी, जिसके बाद आज फिर से तीन तलाक पर नया बिल नए सिरे से लोकसभा में पेश किया जाएगा। आपको बता दें, इन बिटवीन जो ये पीरियड था, उस दौरान सरकार ऑर्डिनेंस लेकर आई थी, यानी कि अध्यादेश लेकर आई थी, और अध्यादेश दो बारी क्योंकि लाया जा चुका है और अब सेशन की शुरुआत हो गई है, वो अध्यादेश लैप्स कर जाएगा अगर उसे संसद से कानून की शक्ल में, बिल की शक्ल में पारित नहीं करवाया जाता है। होना चाहिए जी, ट्रिपल तलाक हलाला महिलाओं को डिग्रेड करने वाली चीज है और महिलाओं के जीवन को खराब करने वाली चीज है, तो उसको तो समाप्त करा ही जाना चाहिए। हमारे इस्लाम में और हदीस में और शरीयत में तलाक गैर शरी तरीके से दी गई है, तो उसकी कोड़े की सजा है। तो जब तलाक की कोड़े की सजा है, तो जो गैर शरी तरीके का तलाक है उसको सजा तो होनी चाहिए। आप वो तलाक जब नहीं हो तो आप अपने घर में रखें, तलाक दे करके फौरन घर से बाहर निकाल देना भी ये कुरान के कानून के खिलाफ है, और जो कानून के खिलाफ है कुरान के, तो आप उसको कैसे कह सकते हैं कि कानून नहीं बनेगा। कानून तो बनना ही चाहिए और कानून बन के रहेगा, और कानून जब तक नहीं बनेगा तब तक हमारी आवाज बुलंद रहेगी। सबसे पहले औरत को बराबरी का हक इस्लाम ने ही दिया। आज भी सबसे कम तलाक मुसलमानों में ही है, आज भी सबसे कम मारने की वाकयात मुसलमानों ही में है। जलाया नहीं जाता, जान नहीं ली जाती। आप पक्ष में या विरोध में है इस बिल के? मैं कुरान के पक्ष में नहीं, इस बिल के संसद में क्या तो इस बिल की बात की जा रही है? इस बिल के संसद जब आएगा तब देखेंगे। लोकसभा में आपसे आपकी पार्टी का जब आएगा तब देखेंगे। आज 12 बजे अरे यार जिद क्यों करते हो बच्चे? मैंने तुमसे कितनी बार कहा मुझसे कुछ नहीं मिलेगा। अच्छी 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 थैंक यू। तो इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। छोटी